हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा टॉपिक चल रहा था फिजिक्स के अंदर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। उसके अंदर हमने कई सारी चीजें कवर अभी तक कर रखी है। सबसे पहला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उससे पहले चार्ज क्या होता है वो हमने पढ़ रखा है। उसके बाद कूलॉम्स लॉ था। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी है इनके बारे में फिजिक्स के अंदर आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज का हमारा जो फोकस है वो कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, जो मतलब आपको काफी ज्यादा आगे जाकर काम में आने वाले हैं। एक ही दो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर आपने पता ही है कि जो क्यू इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। और ये मैंने क्वेश्चन पहले से यहाँ पे लिख के रखा है। इसका कारण क्या है कि ताकि हमारा जो वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना बन जाए, जिससे आपका डेटा बचे जब आप वीडियो देखोगे। तो मेरा तो लगने कोई दिक्कत नहीं है, वो लगेगी, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि शायद आपने दिन में खत्म कर रखा होगा, लिमिट नजदीक आने वाली होगी। तो देखो, फोकस करो इसके ऊपर। टू बॉडीज ए एंड बी कैरी चार्जेस -3 माइक्रोकूलम एंड 0.44 माइक्रोकूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्जेस। इसका मतलब दो अलग अलग हमारे पास चार्ज बॉडीज है, दोनों का हालांकि नेचर यहां पर सेम अपने कह सकते हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का गिवन था। तो अब एक से चार्ज दूसरे पे ट्रांसफर करना है और तब तक करना है ताकि दोनों की वैल्यू इक्वल ना हो जाए। तो इसको करने के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड देखो कि चार्ज ए और बी दोनों का जब इक्वल होगा वो कब होगा। सीधा सा यहां पर दिख रहा है कि 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है 0.44 वाले से। इसका मतलब यहां से चार्ज इस पर भेजेंगे तब जाकर हमारा जो डिजायर रिजल्ट है ए इक्वल टू बी वो आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3 माइक्रोकूलम जो है यहाँ पर हम इसको ऐसे यूनिट में करेंगे, उसकी कुछ हमें जरूरी नहीं है, या अपने इसको ऐसे भी एक बार रख सकते हैं। तो -3 कूलम जो है इसमें से हम अगर माइनस क्यू कुछ चार्ज माइनस कर दें और सेम अमाउंट में वही चार्ज हम 0.44 के साथ एड कर दें, क्यू की वैल्यू आगे कुछ भी मान लें अपने, इसमें से इतना निकाल लिया उसको दे दिया, इससे भी क्या होगा कि दोनों का चार्ज है वो इक्वल आ जाएगा। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 0.44 इधर आ जाएगा, -3 प्लस 0.44 माइनस क्यू इधर जाकर 2 क्यू बन जाएगा। अब -3 में से इसको अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2.56 इज इक्वल टू 2 क्यू। हमें निकालना है यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। उसके लिए फॉर्मूला जो यहां पर होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू की जगह पे हम एन ई आगे पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 2NE बन जाएगा, ये क्यू की जगह पे एन ई आ गया। निकालना यहां पर एन है, एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू -2.56 अपॉन में 2E, क्योंकि एन तो अकेला रह गया, 2E इसके साथ मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ गया। ई की वैल्यू आप सबको पता है 2.56, हम यहां पर माइक्रो कूलम के अंदर इसको लेके चल रहे हैं। तो अब इसको अगर कूलम के अंदर चेंज करेंगे 2.56 इंटू माइक्रो कूलम 10^-6 सब यहां पर लगा देंगे लास्ट के अंदर, 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10^-19 ये इसका चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, नीचे पावर माइनस की 19 है ऊपर माइनस की 6 है, तो ये जब माइनस की 19 ऊपर आएगी, ऊपर आके ये प्लस की 19 बन जाएगी और उसमें से -6 करेंगे तो हमारे पास पावर जो है वो 10^13 बचेगी। उसके बाद 2.56 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 2 तो ये 3.2 बन गया। इनको हम सॉल्व करते हैं, ऊपर वैल्यू 2.56 है नीचे 3.2 है, वैसे तो ये इसके जीरो लगाएंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली हम अगर इसको 16 के टेबल के अंदर काटते हैं तो उसके बाद लगभग आंसर जो हमारा 0.8 इंटू 10^13 ये आंसर आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि सबको सब बात है लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये मैंने करके यहाँ पे देखा था थोड़ी देर पहले ताकि हमारा टाइम कैलकुलेशन में कंज्यूम ना हो। एक ये मेथड है सिंपल सा, इसके बाद इसको हम हमारे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड देखो कौन सा है, आंसर दोनों में सेम आएगा। दूसरा मेथड ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि एक चार्ज -3 का है दूसरा -0.44 का है, हम चाहते हैं कि दोनों तरफ इक्वल चार्ज हो, तो इक्वल निकालने के चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड करके एवरेज निकाल लेते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएगा -3.44। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1.72। इसका मतलब कि दोनों तरफ 1.72 कूलम,
इतना चार्ज जब आ जाएगा तब दोनों साइडों का चार्ज इक्वल माना जाएगा, और अगर 1.72 का चार्ज हम कहीं पर लेकर आएंगे इसका मतलब क्या है कि जो ए चार्ज था -3 वाला इसकी जगह पे 1.72 रह जाएगा, तब जाकर हम कह देंगे कि दोनों तरफ 1.72 बन जाएगा। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में से जैसे मान लो कि हमारे पास पहले -3 चार्ज है, इसमें से 1.72 एक बार अपने माइनस कर रहे हैं, एक बार सिंबल इनका जो है वो हम यूज नहीं करते, नॉर्मल मैथमेटिकल हमारी कैलकुलेशन यहां पर कर रहे हैं कि 3 में से 1.72 को माइनस करना, तो हमारे पास बचेगा 1.28। इसका मतलब क्या है, 3 माइक्रोकुलम वाले चार्ज में से 1.2 माइक्रोकुलम चार्ज निकाल के हम 0.44 वाले को दे देंगे, इससे क्या होगा उसके पास भी 1.72 माइक्रोकुलम बन जाएगा और ए वाले के पास भी 1.72 माइक्रोकुलम चार्ज है जो रह जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है क्या इज इक्वल टू एनी, हमें चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा 1.28 माइक्रोकुलम, ये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यहां पे क्या देगा 1.6 × 10⁻¹⁹। अब जो हम वैल्यू एन निकालेंगे, एन निकालने के लिए यहां पे आ जाएगा 1.28 × 10⁻¹⁹ अपॉन में 1.6 × 10⁻¹⁹। ये लगभग वो पहले वाले जैसा बन गया, क्योंकि उसमें क्या था कि ऊपर हमारे पास 2.56 आ रहा था, नीचे 3.2 आ रहा था, और यहां पर वैल्यू 1.28 आ गई, नीचे 1.6 आ गई, तो भी आंसर सेम आएगा 0.8 वाला × 10⁻³⁰। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे। अब पिछले में ये था कि हमारे पास वैल्यू माइनस के अंदर आ रही थी, तो एन की वैल्यू जो है, एन एक नंबर है यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो माइनस के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकते, एन यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव रहेंगे, कि मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या 2000 जा रहे हैं, वो जो एक नंबर होगा उसके लिए हम वहां पे माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस जो वहां पे गिवन था वो चार्ज के लिए था। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हम ऐसे निकाल सकते हैं कि चार्ज ट्रांसफर होता है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इन सेकंड क्वेश्चन हम कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में कंसीडर यहां पर इसको करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी इज एफ, व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज 2F। यानी कि दो चार्जेस यहां पर रखे हुए हैं, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है डी, तो इसको हम क्यों मान लेते हैं, ये क्यों वन आ गया, ये क्यों टू आ गया। अगर इनके बीच की डिस्टेंस डी है उस केस के अंदर फोर्स जो लग रहा है वो एफ लग रहा है, इसका मतलब जो इक्वेशन हम यहां पे लिखेंगे 1/4πε₀Q1Q2/d², ये इक्वेशन यहां पर बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 यहां पे नेम दे दिया। आगे ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है उसको हमने चेंज करना है, इतना चेंज करना है कि जिसे फोर्स हमारा 2F हो जाए। अब हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर हमने फोर्स बढ़ाना है तो इसका मतलब डिस्टेंस यहां पे डिक्रीज करनी पड़ेगी, हम इनको थोड़ा थोड़ा और नजदीक अगर ले आएंगे तब जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम ये डिस्टेंस है इसको आर मान लेते हैं, क्योंकि डी द्वारा हम लिख नहीं सकते, डी के अंदर कितना चेंजेस आया वो हमने निकालना है यहां पर। तो सेकंड क्वेश्चन हम लिखेंगे ये एफ वन आ गया, या यहां पे लिख देते हैं 2F, जब फोर्स एफ था तब ये मैग्नीट्यूड था, अब फोर्स 2F आ गया तो 1/4πε₀ ये सेम रहेगा, चार्ज जो है उनका नेचर भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डिस्टेंस यहां पे चेंज हुई है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर एक तो डी की जगह पे हमने आर पुट कर दिया और एफ की जगह पे 2F कर दिया। अब दो इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशंस को डिवाइड करना एक दूसरे से, इक्वेशन वन को सेकंड से डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा एफ अपॉन में 2F, क्योंकि जो लेफ्ट साइड की क्वांटिटीज है वो एक दूसरे के साथ डिवाइड होगी, इस साइड को हम आपस में लिखेंगे यहां पे 1/4πε₀Q1Q2/d², ये आ गया 1/4πε₀Q1Q2/r²। तो इससे देखो ये क्वांटिटी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी हमारी, अब हमारे पास क्या बचा, एफ अपॉन में 2F, यहां पे रह गया d², और नीचे वाले के अंदर रहेगा 1/r². तो हम इसको जब लिखेंगे तो अब ये ऐसे बनेगा 1/d²×r²/1, क्योंकि नीचे 1/r² था, अभी मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऐसी प्रॉपर हो जाती है क्वांटिटी। अब हमारे पास एफ से एफ यहां पे कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा,
एक तो बच गया हमारे पास 1/2 बचा लेफ्ट साइड में, यहां पे बचा है आर स्क्वेयर अपॉन में डी स्क्वेयर। अब हम अगर दोनों साइडों का रूट निकाल देंगे, इधर भी रूट कर देंगे इधर भी रूट कर देंगे, इधर बचेगा 1/√2, यहां बचेगा आर बाय डी। ये आ गया रिलेशन निकालना है आर और डी के बीच में। तो अब यहां पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू आर इंटू रूट टू, या हम इसको आर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू डी बाय रूट टू। तो इस तरह का रिलेशन दोनों के बीच में बन जाएगा, जिससे हम ये बता सकते हैं कि क्या इनके बीच में मतलब फोर्स का कंसेप्ट रहता है जब डिस्टेंस इनकी चेंज हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके देवी और सज्जनों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके सामने रहा सवाल नंबर 3। काश हम केबीसी की तरह कुछ पैसे आपको दे सकते, लेकिन यहां पे हम सिर्फ आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं। तो अब ये देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये गिवन है कि एक यहां पर 4e ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, चार्ज की वैल्यू है वो प्लस की 4e दे रखा है हमें, और एक दूसरा जो चार्ज है वो प्लस का ई, यानी कि ये जो चार्ज है इससे 4 times बड़ा है, और इनके बीच की डिस्टेंस ये देखिए हमें 9 सेंटीमीटर। पूछा ये है कि एक तीसरा चार्ज हमने बीच में रखना है इनके, और किस जगह पे उसको रखा जाए जिससे उसके ऊपर दोनों जो ये चार्जेस हैं उनका एक जैसा फोर्स लगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उस फोर्स के ऊपर दोनों का एक जैसा फोर्स लगेगा तो वो चार्ज मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस सेम फोर्स ये वाला चार्ज लगेगा तो नहीं ये लगाएगा, दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी जगह बैठा रहेगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो अब देखो वो जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर हम दोनों साइडों का जो फोर्स है F1 और F2, इसका फोर्स F1 मान सकते हैं, इसका किसका मंच मान लो यार, क्या चक्कर है, बात तो यही है। F1 और F2 जब बराबर हो जाएंगे तब वो पोजीशन इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहलाएगी, और हम वो जो पोजीशन है वो यहां पर लेते हैं। सपोज करो कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यों, अब ये जो डिस्टेंस है ये आ गई एक्स, और ये जो पीछे बचेगी यहां से लेकर यहां तक हमारी ये बचेगी 9 - x। अब बात यह है कि ये जो चार्ज है ये हम इस चार्ज के नजदीक रखेंगे, इससे काफी दूर रखेंगे। कारण क्या है कि इसका जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा रेंज तक लगेगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड काफी दूर तक बनता है। तो ये पॉइंट जो है वो लगभग हम यहां पे मान लिया x और 9 - x दो डिस्टेंस लेकर। सबसे पहले फोर्स निकालते हैं इन दोनों के बीच में, ये क्यों हमारा एक तरह से टेस्ट चार्ज है, और ये हमारा प्लस ई जो 4e यहां पे गिवन है। तो सबसे पहले F1 जो निकलेगा उसका सेम फॉर्मूला रहेगा 1/4πε0 q प्लस का 4e प्लस का 4e q, या प्लस की जाने की जरूरत नहीं, हम सीधा 4e q लिख देते हैं यहां पर, ये वैल्यू आ गई अपॉन में x2 इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि बीच की डिस्टेंस x है। अब ये F1 की जो डायरेक्शन है, अब बोले हो कहां पर हम इसको मेंशन करेंगे, F1 जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा अवे फ्रॉम द क्यू। कारण क्योंकि मान लो कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये उसको रिपेल करने का प्रयास करेगा, और इसका रिपल्शन का फोर्स उस तरफ। अभी सेकंड फोर्स निकालेंगे F2, उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। अब चार्ज हम कौन कौन से ले रहे हैं, एक ये और एक ये, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी eq अपॉन में 9 - x2। तो F2 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये चार्ज इसको अपने से दूर पुश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो F2 की डायरेक्शन इस तरफ। तो अब F1 और F2 दोनों का जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तब जाकर वो पोजीशन इक्विलिब्रियम की कहलाएगी, तो वो हम यहां पर पहले लिख चुके हैं। अब हम इनकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 4eq x2 1/4πε0, ये ई क्या हुआ आ गया, ये 9 - x2। अब देखो ये दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई क्यू से ई क्यू कट जाएगा, जब हम एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ लेकर जाएंगे बचेगा क्या पीछे, हमारे पास इधर बचेगा 4x2, इधर बचेगा 1/9 - x2। जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी हमारे पास सिंपल होकर, अब हमने वैल्यू यहां पर निकाली एक्स की,
हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, दोनों साइडों में रूट ले लेते हैं, यहां भी रूट ले लेंगे यहां भी रूट लेंगे, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स आ गया, ऊपर 1 पड़ा है, नीचे 9 माइनस एक्स रह जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा 9 इंटू 2 18 माइनस 2x यहां पे आ जाएगा x, अब माइनस का 2x उधर चला जाएगा तो 2x 1x वहां पे पहले से, तो यहां पे आ गया 18 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू 18 बाई 3 तो 6 आ गया, तो 6 यहां पे सेंटीमीटर हम लिख देंगे। इसमें ऐसे यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ ये देखना है कि जो नया चार्ज रख रहे हैं वो इस चार्ज से कितनी दूरी पे है और इससे कितनी दूरी पे है, तो टोटल डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर थी, तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज रखा जाएगा वो 4e से 6 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए और प्लस का e जो है उससे 3 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तो ये हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। कई जगह जो क्वेश्चन आता है उसमें 9 की जगह पे सीधा a भी गिवन हो सकता है कि मान लो a दे दिया वैल्यू यहां पर, तो हमारा तो फाइनल आंसर निकलेगा उसमें, फिर यहां पे हम जो वैल्यू लेंगे यहां पे जैसे 18 आया था ये 9 है, 9 की जगह पे यहां पर a आ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा सारा जो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है, 2a माइनस एक्स आ गया यहां पे एक्स रह गया और उसके बाद 2 अपॉन में एक्स इधर से आ गया 1 अपॉन में a माइनस एक्स, इसको आप कंसीडर करोगे तो 2 इंटू ए 2a माइनस 2x और ये x, अब ये 2a उधर चला गया 3x और a की वैल्यू जो आएगी वो 3 बाई 2x आ जाएगी, या हम x की वैल्यू यहां पे जो निकालना चाहते हैं x की वैल्यू जो निकलेगी वो 2a बाई 3 आ जाएगा, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो निकल सकता है। क्लियर, काफी बढ़िया था, वेरी गुड। अब हम एक और यहां पे इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो मुझसे वाला स्टाइल के अंदर एक बारी और क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम हेल्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट है उसके ऊपर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव नेचर है, ड्यू टू टू चार्जेस ऑफ प्लस 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 10 रेज़ पावर माइनस 8 कूलम एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ए पॉइंट है इसके ऊपर चार्ज है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलम के अंदर और यहां पे माइनस का 10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माइनस का 1 इसका मैग्नीट्यूड है और पावर जो दे रखी है वो माइनस 8 है, 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और पी पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड करना है कि रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना होगा, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये देखो कि आपने क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे दो दो का पेयर बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है इसका और इसका, इन दोनों का पेयर बनेगा और फिर बाद में इन दोनों का पेयर बनेगा। अब इनका जो पेयर बनेगा ये पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो रिपल्शन का फोर्स इस तरफ भी लग सकता है जब ये इसके ऊपर लगाएगा, या हम कह सकते हैं कि इस तरफ भी लगेगा क्योंकि ये भी इसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कौन सी डायरेक्शन लेनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि हमने ये देखना है कि हम फाइंड कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं, हमें गिवन है कि पॉइंट पी के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर हमने फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम ये डायरेक्शन लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्शन पी से ए हो जाएगी फिर तो हम पॉइंट ए की यहां पे बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में गिवन ये है कि पॉइंट पी के ऊपर हमें फोर्स निकालना है, तो उसकी वजह से आगे क्या देखें, देखो ए पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार बी पी ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, इसको हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब आपको सर ये तो 10th में ट्राइंगल वगैरह बनते थे आप उसके कंस्ट्रक्शन लेके बैठ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार थोड़ा सा ऐसा बनाना है, बाद में कंसेप्ट फिजिक्स के लगे यहाँ पर। तो सबसे पहले फोर्स देखना है ए और पी के बीच में, फोर्स बिटवीन ए एंड पी, सीधा सा फॉर्मूला एफ वन वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे आ जाएगा क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वेयर, तो क्यू वन की वैल्यू जो 1 माइक्रो कूलम है, पी के ऊपर चार्ज 1 माइक्रो कूलम, इसको चेंज करेंगे 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम, तो यहां पे सीधा लिख देंगे 1 इंटू क्यू वन की वैल्यू है क्यू टू, ये दे रखे हमें 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन में आर स्क्वेयर, बीच में आर है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम जब मीटर में चेंज करते हैं क्या आता है उसके साथ
10 × 10⁻²। ये आ जाएगा, या इसको तो अपने सोल्व करेंगे सिंपल जैसे मैथ में करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बनाते हैं, 10 / 100, इसे ये कट गया, 10⁻²⁻ आ गया, ये आर की वैल्यू है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये आ गया। इस प्रकार हम आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सेकेंड जो फोर्स है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो इसका कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 1.45 की जो वैल्यू है वो भी हम इनपुट कर सकते हैं, 9 × 10⁻⁹। तो आपको लगेगा कि सर ने कहीं से देख के लिखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू पेपर में भी आपको लिखी हुई मिलेगी, तो आप भी मत याद करना चाहिए तो भी काम चल जाएगा, आप भी देख के लिख सकते हो वहां पर। यहाँ पे ये आ गया अपॉन में 10⁻²⁻2, ये आ गया। अब देखो 9 × 2 इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पावर है वो सॉल्व करते हैं, -6 - 8, 9 × 2 मैग्नीट्यूड 18 आ गया, 10 की पावर तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 और माइनस का 8, माइनस की 14 है प्लस का 9 है, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस की जो पावर बचेगी 5 बचेगी, इसके साथ साथ नीचे माइनस की 2 पावर है ये भी ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पे टोटल जो पावर बचेगी माइनस की 3 कूलॉम्ब, 18 × 10⁻³⁻³ कूलॉम्ब, ये एफ वन फोर्स की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अब देखो आगे क्या करना है हमने, F1 की डायरेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, F1 की डायरेक्शन A से P की ओर ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ये F1 लग गया इस तरफ। अब F2 निकालना है इन दोनों के बीच में जो पॉइंट P और D है। अब देखो इसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी, यहां पे चार्ज रखा हुआ वो पॉजिटिव नेचर का है, यहां पे नेगेटिव नेचर वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन आएगी इस तरफ, तो F2 जो है वो इस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा 1/4π·ε₀, उसको हम 9 × 10⁻⁹ ले सकते हैं, ये वैल्यू सेम है क्योंकि पी यहां भी काम आ रहा है, 1 × 10⁻⁶ आ गया, उसकी वैल्यू -1 × 10⁻⁸ अपॉन में। अब देखो यहां पे इस बार डिस्टेंस BP 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा 5 × 10⁻²। अब इस माइनस का कोई यहां पे ज्यादा इशू नहीं है, ये माइनस सिर्फ नेचर के लिए था कि ये नेचर शो कर रहा है, तो हम यहां पे आगे माइनस ना मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैग्नीट्यूड के अंदर काउंट नहीं होगा, डायरेक्शन यहां पे सिर्फ शो करेगा ये। अब देखो 9 यहां पे 9 रह जाएगा, पावर देखो माइनस की 2, माइनस का 8, माइनस का 6, तो 14 हो गया यहां पर माइनस का, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 11 यहां पे पॉजिटिव रह जाएगा, यहां पे बचेगा 9 × 10⁻³⁻³ अपॉन में आ गया 5, 9/5, ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड। अब हमने कह दिया कि F2 की डायरेक्शन इस तरफ है, अब पॉइंट P के ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक A की वजह से एक B की वजह से, A जो फोर्स लगा रहा था वो इस डायरेक्शन में था, B फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन ये है। अब हमने यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या बनता है, रिजल्टेंट बनेगा दोनों के बीच में, हम कह सकते हैं कि इस तरफ कहीं ना कहीं जो रिजल्टेंट F फोर्स होगा वो F1 और F2 के बीच में कहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में जब हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, जब हम F निकालेंगे यहां पर, F निकालने के लिए पैरेललोग्राम का जो लॉ होता है वो यहां पर यूज करना पड़ेगा, a² + b² + 2ab cos θ, तो f1² + f2² 2f1 f2 cos θ, ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ के सबने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लेना, फॉर्मूला यही रहेगा, बदला नहीं है, कहीं आपको लगा कि साल में कहीं चेंज हो गया हो, वो सेम का सेम यही ऐसे आपको नजर आएगा। तो अब देखो cos थीटा, थीटा एंगल किसके बीच में, F1 और F2 के बीच में, F1 और F2 एंगल इनके बीच में है 90 डिग्री का, क्योंकि इधर वाला 90 गिवन था तो ये भी 90 होगा, तो cos की वैल्यू जब 90 पुट करेंगे, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो इसकी वजह से ये जो पूरी टर्म है ये सारी की सारी हमारी जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास इसे जो फोर्स बचेगा वो बचेगा F1² + F2² आगे वाला जीरो आ गया। अब यहां पे हम जो वैल्यू दे रखी है इनका स्क्वायर करेंगे बाद में उसका हम रूट निकाल सकते हैं, तो जैसे आ गया यहां पर F1 की वैल्यू ये दे रखी है हमारे पास 18 × 10⁻³⁻³ इसका स्क्वायर प्लस 9/5 × 10⁻³⁻³
ये देखा है ये पूरी F2 की वैल्यू है, इसका स्क्वायर आ जाएगा और फिर हम इसके ऊपर रूट निकाल देंगे। तो जब इसको आप मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि आपका आंसर इससे मैच कर दे। तो फाइनल जो आंसर है वो ये आना चाहिए 4×10^-2 न्यूटन, ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें मेन चीज क्या देखनी है, डायरेक्शन पहले पेयर बनाना है, जिस पॉइंट पे निकालना है एक वहां पे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे हो सकता है कि ये पॉइंट पी वैल्यू ना दे रखी हो, वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज अपनी तरफ से रख लेंगे, क्या वो एक क्यों रखकर भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ओके, ये पक्का लास्ट है, प्रोमिस कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने थोड़ा सा इसको फोकस में रखना क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड टर्म है ये। इसमें देखें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार, इसके तीनों पॉइंट्स के ऊपर Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज रखे हुए हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है यानी कि तीनों का नेचर सेम है, तीनों पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड इनका क्यू, और जो साइड दे रखी है सभी साइड इसकी जो है एल है, यहां से लेकर यहां तक एल, ये एल आ गया और ये भी यहां से लेकर यहां तक एल रहेगा। अब इसमें एक कंसेप्ट आ गया सेंट्रोइड का, सेंट्रोइड हमें पता होता है कि जिस प्रकार हम इस पर यहां पे पॉइंट लेते हैं ये पॉइंट सेंट्रोइड का रहता है, मैथ में आपने सबने पढ़ रखा है, और इसको हम नाम देते हैं ए बी सी और यहां पे पॉइंट आ गया ओ। अब क्या है कि सेंट्रोइड के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ क्यों, इसका नेचर भी पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा कि हमें पिछले क्वेश्चन के अंदर दो पेयर बनाए थे, यहां पे तीन पेयर बनेंगे क्योंकि तीन चार्ज हमें गिवन है और चौथा यहां पर है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ये जो है ए ओ ये डिस्टेंस लेकर एक इस क्यू चार्ज को इसको लेकर फोर्स निकालेंगे जिसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ रहेगी एफ वन नीचे की तरफ। फिर उसके बाद यहां पे चार्ज रखा हुआ है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन एफ टू इस तरफ आएगी क्योंकि सारे रिपल्सिव फोर्सेस हैं, और तीसरा जो यहां पे क्यू चार्ज है इसकी वजह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा एफ थ्री। तो तीनों फोर्सेस के बीच में 60-60 का अपर एंगल बन रहा है। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले एफ वन निकालना है, तो वो निकालने के लिए हमें पहले ए और डिस्टेंस जो उसकी जरूरत पड़ेगी, और वो निकालने के लिए पहले क्या करते हैं कि एक यहां पर बीसी जो लाइन है बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम कह सकते हैं ए डी, ए से लेकर डी तक ये परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ हो गया। तो सबसे पहले ए डी की वैल्यू निकालने की, ए डी क्या चीज है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ए डी कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका क्या चीज है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन है, एल पूरा था, डी इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक बी से लेकर डी तक जो है वो एल बाई टू आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ गई। अब ए डी निकालना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल के अंदर ए डी तो निकलेगा, ए डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर ये आ जाएगा, तो ए बी एल स्क्वायर माइनस बी डी जो है वो एल बाई टू का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये एल स्क्वायर माइनस इसके लिए स्क्वायर लगेगा एल स्क्वायर अपॉन में फोर, एलसीएम लेंगे फोर आ गया, ये क्या आ जाएगा फोर एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, पीछे क्या बचा थ्री एल स्क्वायर बाई फोर, यहां से ए डी का स्क्वायर। अब अगर दोनों तरफ रूट निकाल दें इस तरफ एल स्क्वायर की जगह पे एल आ जाएगा, फोर की जगह पे टू आ जाएगा और थ्री की जगह रूट लग जाएगा, ए डी का मैग्नीट्यूड आ गया रूट थ्री एल बाई टू। इसको निकालने का दूसरा मेथड ये है कि हमें पता है कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम ये चीज या किसी भी चीज को लेकर इसका परपेंडिकुलर जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम साइन थीटा की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं या कोस की जो यूज होती है उसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू फिर सेम आएगी। ए डी आ गया रूट एल रूट थ्री एल बाई टू, हमें डिस्टेंस चाहिए ए से लेकर ओ तक, बी से ओ तक और सी से ओ तक, ये तीनों सेम रहेंगी। ए ओ जो निकलेगा सेंट्रोइड का जो पॉइंट होता है वो हमेशा इसके वर्टेसिस से 2/3 डिस्टेंस पे होता है, यानी कि ए ओ जो है वो पूरा ए डी का
टू बाई थ्री पार्ट होगा, इसका मतलब दो हिस्से इस तरफ रह गए, एक हिस्सा इस तरफ रह गया। अब एडी की जो वैल्यू है वो हमने यहां पर निकाल रखी है रूट थ्री एल बाई टू, ये चीज आ गई एडी की, यहां ये लिख सकते हैं। अब देखो इस टू से टू कैंसिल हो गया, रूट थ्री अपॉन में थ्री। अब नीचे वाला जो थ्री है इसको हम दो बार रूट में लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में थ्री बन जाएगा, यहां पे एल लिखा हुआ है, एक से ये कट जाएगा, सिंपल होकर वैल्यू आ गई एल अपॉन में रूट थ्री। ये डिस्टेंस एओ इज इक्वल टू बी ओ और सी ओ, सेम डिस्टेंस निकल जाएगी। अब आपने क्या कि पेयर बनाने हैं, सबसे पहले ए और ओ के ऊपर जो चार्जेस है उनकी वजह से जो फोर्स बनेगा एफ वन वन अपॉन फोर पाइप सेलो नोट, जिसको हम के भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप कट जाता है, तो सीधा के भी आप लिख सकते हो, जिनमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता, सीधा इस तरह से रिलेशन बताना है वहां पर वन पॉइंट फोर पाइप सेलो नोट की जगह पे आप के भी अगर यूज करोगे तो कोई चक्कर नहीं है। के आ गया क्यू वन की वैल्यू क्यू जो यहाँ पे चार्ज है, क्यू टू यहाँ पे कैपिटल क्यू जो क्वेश्चन में देखा है हमें, तो क्यू इंटू क्यू आ गया अपॉन में आर स्क्वायर, आर की जगह पे है एल बाई रूट थ्री, तो एल का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर हो गया, ये थ्री बन जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया थ्री के क्यू इंटू क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, ये एफ वन फोर्स निकला है। सेम इसी प्रकार एफ टू फोर्स निकलेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, और इसी प्रकार F3 निकलेगा, तो तीनों फोर्सेस की सेम वैल्यू आएगी। अब देखो आपने करना क्या है, हमें नेट फोर्स निकालना है, लेकिन हमारे पास तीन अलग अलग डायरेक्शन आ रही है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा था, तो जो आपने प्लस वन में किया था जहां पर इस तरह की केस आ जाए, हम पहले इन्हीं की दो फोर्स को लेकर उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर उसका तीसरे के साथ कंपेरिजन करेंगे। तो पहले मान लो F2, F3 का ले सकते हो आप, F1, F3 का किसी को भी ले सकते हो, इनका रिजल्टेंट निकलेगा इस डायरेक्शन के अंदर, दो फोर्स का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो तीसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है रिजल्टेंट का वो इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा। तो वो कैंसिल आउट कैसे करेगा, अभी देखो कि हम F2 और F3 ले रहे हैं, यहां पर F निकालने के लिए जो पैरेललोग्राम लॉ होता है एफ टू का स्क्वेयर आ जाएगा, एफ थ्री का स्क्वेयर आ गया टू एफ टू एफ थ्री कोस थीटा। अब यहां पे कोस की वैल्यू कितनी आ रही है, कोस थीटा आ रहा है हमारा 120 डिग्री, एक बार हम इनका रिलेशन निकाल देते हैं एफ टू का स्क्वायर एफ थ्री का स्क्वायर, ये सेम पड़ा है कोस 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि सभी के ये तीनों एक पॉइंट पे लग रहे हैं, इनके बीच में 60-60 का अगर यहां पर एंगल था तो ये एंगल अपने आप यहां पर 120 का हो जाता है, ये आपने मैथ में पढ़ रखा है, ये और ये इनके बीच का 120, इन दोनों के बीच का 120 और इनके बीच का 120, किन्हीं भी दो फोर्स के बीच में 120 का एंगल बनेगा, तो इस वजह से कोस थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, 120 वैल्यू माइनस वन बाई टू होता है, तो ये तो प्लस का 2 है, ये यहाँ पे रहेगा एफ टू एफ थ्री इंटू वन बाई टू, यहां पर लिख दिया माइनस मैंने आगे लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या रह गया एफ टू और एफ थ्री, एफ टू और एफ थ्री की वैल्यू सेम है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि तीनों फोर्स एक जैसा मैग्नीट्यूड रखेंगे अपना, इसका मतलब अगर इस F3 को मैं F2 मान लूं क्योंकि वैल्यू तो सेम है, जो F2 की है वही F3 की, एक F2 माना जा सकता है, तो F2 F2 के साथ मल्टीप्लाई होकर F2 का स्क्वायर बन जाएगा, और इधर लिखा हुआ है F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर और बीच में ये माइनस था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे क्या बचेगा एफ जो है वो एफ थ्री का स्क्वायर और रूट, रूट हटेगा तो क्या आएगा एफ थ्री, ये चीज आ गई। तो इसका मतलब एफ टू और एफ थ्री का जो रिजल्टेंट है वो एफ थ्री के इक्वल होगा, और एफ थ्री और एफ वन का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पहले हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो अब डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एफ वन माइनस एफ थ्री जब केस यहां पर कंसिडर करेंगे डायरेक्शन की वजह से मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से जो वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी, तो इसका आंसर आएगा जीरो। कैसे आना है वो थोड़ा सा मैंने बता दिया, आप अपनी तरफ से दोबारा कोशिश करके देखोगे तो हो जाएगा। ओके एक और ले लेते हैं, नहीं ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर बहुत हो गया आगे वाले कौन करेगा, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, इतने कर लोगे तो ही बहुत है, थैंक यू, हैव अ चीयरफुल गुड इवनिंग गुड नाइट, शुक्रिया।